दोस्तों मुंबई ने सोचा WPL के प्लेऑफ में, और दोस्तों अब मुंबई ने इसने एक बार फिर से गुजरात जायंट्स को हरा दिया है, पटकनी दे दी है और दोस्तों पराजित कर दिया है। तो दोस्तों क्या है पूरी मैच की हाइलाइट्स जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन दोस्तों यह जानने से पहले, आप भी भारत देश से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों गुजरात जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दोस्तों यह फैसला उनके पक्ष में थोड़ा सा गड़बड़ साबित हुआ। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस्तिका भाटिया और हैली मैथ्यूज ने ओपनिंग करने आए हैं, तो मोमेंट्स की शुरुआत बहुत ही धीमी रही। दोस्तों बता दूं कि हैली मैथ्यूज जो कि जीरो पर अपना विकेट गंवा दें, वहीं पर इस्तिका भाटिया ने एक बेहतरीन और शानदार पारी खेली और दोस्तों फिर से मुंबई ने इसके बल्लेबाजी क्रम को संभाला। आपको बता दूं कि उन्होंने 44 रनों की एक तूफानी पारी खेली जिनमें 5 चौके और 1 छक्के भी लगाए। दोस्तों इसके अलावा नाटालिया स्कीवर ने भी 36 रन की तूफानी पारी खेली 31 गेंदों में पे। दोस्तों इन्होंने भी 5 चौके और 1 छक्के लगाया। दोस्तों इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत ने कप्तानी पारी खेला, दोस्तों एक बार फिर से तूफानी पारी खेल के मुंबई इंडियंस को जो कि 162 रनों तक पहुँचाया। दोस्तों बता दो कि हरमनप्रीत ने 51 रन की शानदार पारी खेली 30 गेंदों में पे, 7 चौकी जबकि 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी के दौरान लगाया। दोस्तों 20 ओवर में 162 रन बना डाले मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज 8 विकेट होकर, वहीं पर जीत के लिए 163 रन का लक्ष्य दिया गुजरात जायंट्स। अगर गुजरात जायंट्स की गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज़्यादा विकेट जो कि गार्नर ने लिया, जो कि 3 विकेट अपने नाम किए। और दोस्तों आपको बता दूं कि किम गर्थ, स्नेह राणा और कनवार ने एक एक विकेट अपने नाम किया। और दोस्तों आपको बता दूं कि गुजरात जायंट्स रनों के पीछा करने उतरी तो गुजरात जायंट्स शुरुआत ही बहुत ही धीमा रहा और दोस्तों गुजरात जायंट्स की शुरुआत बहुत ही खराब रहा। दोस्तों बता दूं कि सोफिया डंकली जो कि जीरो पर अपना विकेट गंवा दी, वहीं और दोस्तों मेघना ने थोड़ी सी अच्छी शुरुआत दिलाई लेकिन दोस्तों फिर भी 16 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिया। दोस्तों मेघना 16 रन पे आउट हो गई। इसके बाद दोस्तों हरलिन देवल ने थोड़ी देर के लिए 22 रन की पारी खेली जिनमें उन्होंने 3 चौके लगाए। दोस्तों इसके अलावा कोई भी गुजरात जायंट्स की ओमैन क्रिकेटर चल नहीं पाया। और दोस्तों बता दो कि अपना विकेट लगातार गंवाती गई। और दोस्तों आपको बता दो कि गुजरात जायंट्स ने 107 रन पे ही अपना 9 विकेट गंवा दिए 20 ओवर में। वहीं पर अगर मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की बात करें तो नाटालिया स्कीवर वहीं पर 3 विकेट नाम की, वहीं पर हैली मैथ्यूज भी 3 विकेट नाम किया। और दोस्तों इसके अलावा एमिलिया खेर ने भी 2 विकेट अपने नाम किया। दोस्तों मुंबई इंडियंस ने मैच को 55 रनों से अपने नाम कर लिया। और दोस्तों मुंबई इंडियंस की प्ले ऑफ की रेस थी उनमें दोस्तों अब सबसे ऊपर नजर आ रही है। और दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस क्वालीफायर कर चुकी है प्ले ऑफ की रेस में। और दोस्तों वहीं पर दूसरी टीम के लिए दिल्ली कैपिटल्स और यूपी ब्रेस के लिए लड़ाई जारी है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दूँ कि मुंबई जो कि पक्का माना जा रहा है कि क्वालीफायर कर जाएगी और दोस्तों प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स और यूपी ब्रेस कौन सी टीम WPL के प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे रहेगी और क्वालीफायर करेगी, फिर कमेंट में जरूर वीडियो देखना बिल्कुल ना भूले।